दिस इज मोहित, आप देख रहे हैं मोहित फिटनेस क्लब। गाइस, आज हम अल्टीमेट न्यूट्रिशन के ये दो प्रोडक्ट हैं, आइसो सनसेजन और प्रोस्टार, इनका मैं रिव्यू करूंगा दोनों का, कि अगर आप कोई प्रोटीन लेना चाह रहे हैं तो कौन सा प्रोटीन ले सकते हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, अब मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं, दोनों के लिए इन दोनों में कौन सा बेस्ट रहेगा। देखिए, अल्टीमेट न्यूट्रिशन काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है मार्केट के अंदर, 30-35 साल इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हो गए। सप्लीमेंट इसके BCAAs काफ़ी अच्छे होते हैं, इसका क्रिएटिन भी है, और ये प्रोडक्ट है दोनों प्रोस्टार है, ब्लेंड प्रोटीन है ये, और ये आइसो यानी कि आइसोलेट प्रोटीन है। प्रोटीन भी तीन तरह के होते हैं, जैसे कि दूध से प्रोटीन, बेसिकली जो प्रोटीन है वो दूध से बनता है। अब दूध से जो बनने के बाद सबसे पहली फॉर्म जो होती है वो वे प्रोटीन कंसनट्रेट होती है, जिसमें आपको प्रोटीन 60-70% प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट फैट शुगर वगैरह ज़्यादा होते हैं। सॉरी, इसमें जब कंसनट्रेट को प्योरीफाई किया जाता है तो उसके बाद बनता है आइसोलेट, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है 80-90%, और उसमें प्रोटीन कार्ब्स फैट थोड़े कम होते हैं। और जब आइसोलेट को प्योरीफाई किया जाता है तो हाइड्रोलाइज बनता है, जो सबसे एक्सपेंसिव फॉर्म होती है प्रोटीन की, प्योर प्रोटीन होता है वो, उसमें आपको प्रोटीन जो है 90% से ऊपर मिलेगा और कार्ब्स फैट बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मॉडलिंग के टाइम पे लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इसका प्राइस। अब प्रोटीन मेरे पास ये आइसोलेट प्रोटीन है, और इसकी बात करूँ तो ये ब्लेंड है। अब ब्लेंड प्रोटीन क्या होता है, जैसे कि जिसमें एक से ज़्यादा फॉर्म हो, मतलब उसमें दो या तीन फॉर्म हो। अब इसमें वे प्रोटीन कंसनट्रेट और वे आइसोलेट है, तो ये ब्लेंड हो गया। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप कौन सा ले सकते हैं। देखिए, अगर आपका मसल बिल्डिंग का गोल है तो आपको थोड़े कार्ब्स चाहिए ही चाहिए। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उसमें आपको कार्ब्स फैट की मात्रा नहीं चाहिए, उसमें आपको प्योर प्रोटीन चाहिए। तो ये आइसोलेट प्रोटीन फैट लॉस के लिए है। अब मैं इसकी बात करूँ जब इसका जो सर्विंग साइज़ है, अब इस आइसोलेट की बात करते हैं, इसमें आइसोलेट में जो सर्विंग साइज़ है वो 33 ग्राम का स्कूप का साइज़ है, उसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा जो कि प्योर प्रोटीन है। तो बायोअवेलेबिलिटी जो बनती है वो 93% होती है। तो आप कैसे पता करें कि आपके जो प्रोटीन है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है। देखिए, अपना जो स्कूप का साइज़ है उसको प्रोटीन के साइज से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोटीन में कितना प्रोटीन है, आपके इस एक स्कूप में कितना प्रोटीन है, तो क्या बायोअवेलेबिलिटी होती है इसकी, 93% है। बाकी इसमें क्या है, इसमें आपको जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है 2 mg है, जो कि नाम मात्र है। एक 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जो भी बहुत कम है, और 1 ग्राम शुगर है। मतलब जो बेसिकली जो 93% प्रोटीन है, और जो 7% थोड़ा कार्ब्स है, शुगर है कुछ, जैसे कि इसमें सोडियम है और जो कैल्शियम है, ये चीज़ तो बेसिकली होती है हर प्रोटीन के अंदर थोड़ा। तो जो बायोअवेलेबिलिटी है वो, मैं बात करूं अब इसके बारे में जो प्रोस्टार के बारे में, तो प्रोस्टार की जो सर्विंग साइज़ है वो 30 ग्राम का स्कूप का साइज़ है, और टोटल सर्विंग आपको मिलेगी 80। उसमें आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो 25 ग्राम मिलेगा, 30 ग्राम के स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन है। तो बायोअवेलेबिलिटी होती है इसकी 84% के आसपास, तो जो कि गुड है। मतलब ब्लेंड प्रोटीन है और बायोअवेलेबिलिटी 84% है मार्केट के अंदर। ये एक इकलौता ऐसा वे प्रोटीन है इसकी बायोअवेलेबिलिटी 84% है, और आइसोलेट के मुकाबले 93% वाला ये इकलौता ऐसा आइसोलेट प्रोटीन है जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 93% है। तो अल्टीमेट न्यूट्रिशन के दोनों ही प्रोडक्ट गुड है, मैं कहूँगा बेस्ट वे प्रोटीन है जो मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं कुछ और इसके बारे में, जैसे कि इसके प्रोटीन इसमें 25 ग्राम है, बाकी इसमें बाकी क्या है, इसमें शुगर है 1 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल है इसमें जो कि 2 ग्राम है, वो भी बहुत अच्छा है, सोडियम 30 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम है, जो कि इसकी न्यूट्रिशन लेवल है वो इन्फॉर्मेशन वो दोनों की अच्छी है। तो आप कैसे यूज़ करना है, अब देखिए, जब आप मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं तो यूज़ तो आप दोनों को कर सकते हैं। आइसो सेंसेशन आप फैट लॉस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब्स फैट शुगर कम है, और ये प्रोस्टार आप मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ शुगर भी है, वो कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम है, और इसमें आपको जैसे कि फैट भी है इसमें, तो ये मसल बिल्डिंग ब्लेंड है, तो मसल बिल्डिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं प्रोस्टार को। अगर आप बोलोगे कि हम आइसोलेट को मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन आप इसके साथ आपको क्रिएटिन ऐड करना पड़ेगा,
कोई भी क्रिएटिन ऐड करना चाहे इसके साथ पोस्ट वर्कआउट दोनों की फास्ट रिकवरी है, 10 या 15 मिनट के अंदर दोनों ही अच्छे से रिकवरी दे सकते हैं आपको। अब कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है लगभग 4600 के पास पड़ेगी, 4600 रुपये के, और इसकी 3500 रुपये के आसपास, तो 1000 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन इसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप मिल रहा है जो कि प्योर है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसे यूज़ करें आइसो सेंसेशन को। जिसके पास बजट थोड़ा कम है वो प्रोस्टार को यूज़ कर सकता है। तो दोनों ही प्रोटीन गुड है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन के दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हो। प्राइस में 1000 रुपये का डिफरेंस है, बिगिनर्स यूज़ करो चाहे इंटरमीडिएट, कोई भी लोग यूज़ कर सकता है। इसमें सर्विंग आपको 70 सर्विंग के आसपास मिल जाएगी, 69 यानी कि, और इसमें आपको 80 मिलेगी, तो वो चीज़ आप सोच लेना। मैं इसको सजेस्ट करूँगा आइसोलेट प्रोटीन, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मिक्सिबिलिटी गुड है, प्राइस भी 46 है, तो कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आइसोलेट मुकाबले बहुत अच्छा वे प्रोटीन है। तो गाइज यूज़ कर सकते हो, दोनों ही प्रोटीन अच्छे हैं, मैं इसको सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी आपके ऊपर है कि आपकी आप अफोर्ड कर पाए हो या नहीं कर पाते हो। आप इसको अगर पैसे की बजट कम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा पैसे की ज़्यादा है तो इसको यूज़ कर सकते हो। दोनों ही वे प्रोटीन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना मेरे चैनल को यार, सब्सक्राइब करो, अपनी सपोर्ट दिखाओ।